गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, बच्चे बाहर हैं धूप में। एक घंटा हो गया इन लोगों को यहाँ आए, कब से खेल रहे हैं मिट्टी में। से खेल रहे हैं ये लोग मिट्टी में। अब ले जाऊँगी इनका, मालिश करूँगी, कपड़ा चेंज करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग का 3 दिनों के लिए बारिश का। और अभी तो धूप है, देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं फिर से गरम कपड़े ना निकालने पड़ जाए दीवान में। कल मैंने पूरा दिन लगा के सारी चीज़ें सेट की हैं, सब रख दिया है। गरम कपड़े अंदर निकाल दिए थे। देखिए, ये है मेरा आज का लंच, भिंडी की सब्जी, पुदीना और टमाटर की चटनी, दाल और रोटी चावल। सो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद मैंने बच्चों को भी लंच करा दिया और कपड़े वगैरह, वो लोग जितनी बाहर भी कुछ खाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, चेंज करना पड़ता है, तो वो भी मैंने चेंज कर दिया है। और अभी तो वो लोग खेल रहे हैं, मैं आई हूँ इस रूम में, कुछ काम करूँगी फिर जाऊँगी उन लोगों के पास। सो फ्रेंड्स, मैं रामार्थ को लेके आ गई हूँ छत पे, क्योंकि शिवार्थ अभी सोए हैं तो ये भी रहते हैं तो जगा देते हैं खेल खेल के। और यहाँ पे भी देखिए आए हैं, ये फुल मस्ती कर रहे हैं। यहाँ बेटा कौआ आ जाएगा, आ जाओ 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 जाओ, बाप रे बाप, कौआ आ जाएगा। कौआ को देख के डर रहे हैं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हुआ है तो अच्छी लग रही है धूप। यहाँ थोड़ी देर में बैठ के फिर जाऊँगी। कहाँ छुप गया भाई? राम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चा। कोई लड़का है जब वो हंसता है, बारिश होती है घुमड़ घुमड़ घुम घुम, चाक धूम धूम चाक धूम धूम चाक धूम धूम। राम क्यों धक्का दे रहे हो आप भैया? आप मत करो, ये कूदेगा। कूदो कूदो। राम क्यों आप धक्का दे रहे बेटा? मत दो धक्का, ये कूद जाएगा। मत दो, आप आओ, जंप करो, जंप जंप जंप। सो फ्रेंड्स, अभी बच रहे हैं शाम के साथ और मैं बैठी हूँ लाडू के पास, पानी पीऊंगी। और अभी मैं खा रही हूँ तीसी वाला लड्डू और उसके बाद पानी पी के मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि खाना पीना जल्दी लोग खा रहे हैं तो जल्दी बनाना भी पड़ता है। और ये बेडशीट यहाँ पे धुल के रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसको भी लेती चलूँ, अंदर रख दूँगी, वही मैं बोल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, टाइम इसमें हो रहा है 8:30 बजे का और मैंने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, केवल महादेव ने खाना नहीं खाया क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था और मुझे लग रहा है वो करीबन 5 बजे बैठा होगा पढ़ाई करने और अभी भी पढ़ रहा है। करीबन 10:30 बजे वो उठा, तो महादेव के अंदर ये बात बहुत अच्छी है कि उसको अगर आप साथ में बैठ के पढ़ा रहे हो तो आप कई घंटे तक बैठा सकते हो पढ़ने के लिए, वो मना नहीं करता है। और अभी उसका एग्ज़ाम आने वाला है तो इसलिए थोड़ा सा
पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, और देखिए हम लोगों की वजह से राम उठ गया बेचारा, उसकी नींद ख़राब हो रही है, फिर भी वो आके सोने की कोशिश कर रहा है। तो महादेव को जान पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो गया तो फिर मैंने इसको सुलाया, तो देखिए कैसे ये मुझसे पूछ रहा है बार बार, बीच बीच में लाडो आ रही हैं और बोल रहा था एक दो बार कि मौसी मुझे भूख लगी है अब जा रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला नहीं बेटा, उससे ज़्यादा मुझे और रामानंद को नींद आ रही है, तो पहले तुम कर लो, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, फिर तुम जाना खाना खाने। तो वो मान गया और बैठा रहा। अब कैसे देखिए बीच बीच में उसको सुला भी रहा है, और महादेव महादेव के बुक पेंसिल वगैरह ये सब इधर उधर कर रहे थे राम। तो ऐसे ही करके हम लोगों की पढ़ाई चली 10:30 बजे तक। रात के बज रहे हैं 10:30, और अब जाके महादेव का पूरा होमवर्क हो गया, तो वो गया है खाना खाने और मैं सुलाने जा रही हूँ राम को। शिवार तो सो गया, ये भी सो गया था, लेकिन हम लोग यहीं पे थे तो उठ गया ये। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, नींद बहुत ज़ोर से आ रही है। मिलूंगी आपसे कल एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यू तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज ट्विंस बेबी मॉम इन वाराणसी। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।